मुझको जो कुछ भी मिला मुझको सब तेरी बदौलत है जो कुछ भी मिला मुझको सब रहमान रहीम। मैं फैयाज मोहम्मद अपने यूट्यूब चैनल कलाम शाकिर पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त अपने ही शहर नेरल स्टेशन पर उतरा हूँ और करीब में यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक दरगाह शरीफ है जिसका नाम है सरकार सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और गांव का नाम है कलम, जो यहाँ से 15 से 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और एक नंबर प्लेटफॉर्म से मुझे, यानी उस वाले प्लेटफॉर्म से मुझे बाहर निकलना है और वहाँ पर गाड़ी भी है, चलते हैं उस गाड़ी से और आगे हम आपको रास्ते से होते हुए और एक्चुअल दरगाह शरीफ के ज़ियारत भी कराता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में और ज़ियारत हासिल करके आप भी शर्फ हासिल कीजिए ताकि आपकी भी सलामी और आपकी दुआओं को भी मैं उनकी बारगाह में पेश कर सकूँ। चले चलते हैं दरगाह की तरफ। कलम की दरगाह जाने के लिए ये एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर से यहाँ से निकलना होता है, ये डायरेक्शन से यहाँ से निकलते हैं तो आसानी पड़ती है। ये एक्चुअली बस स्टैंड कहते हैं, नेरल का बस स्टैंड है ये, टैक्सी स्टैंड भी है, बस स्टैंड भी है। कलम सालोक गांव जाने के लिए यहाँ से एसटी बस भी मिलती है। ये देखिए यहाँ से आवाज़ें देते हैं कलम वगैरह के लिए, ये पूरा बस स्टैंड है, पर सीट के हिसाब से लेते हैं चार्जेस अपने। यहाँ से बस भी मिलती है, एसटी बस जाती है, लेकिन अपनी गाड़ी है आगे रोड पे। चलिए गाड़ी से चलते हैं, बारिश भी हो रही है तो आगे के नज़ारे आपको मैं बाइक से करवाता हूँ। ये स्टेशन का रास्ता है, अब यहाँ से चलेंगे हम कलम गाँव और दरगाह शरीफ की ज़ियारत आपको मैं करवाता हूँ। तू फैज का दरिया है, तू रहमत ही रहमत है। तू फैज का दरिया है, तू रहमत ही रहमत है। तू फैज का दरिया है, तू रहमत ही रहमत है। जो कुछ भी मुझको जो कुछ भी मिला मुझको सब तेरी बदौलत है। जो कुछ भी मिला सब तेरी बदौलत है। जो कुछ भी मिला मुझको ख्वाजा भरा था, जो जो कुछ भी मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैयाज़ मोहम्मद अपने YouTube चैनल कलाम शाकिर पर आपका खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त कलम गांव में हूँ, जो तकरीबन नेरल से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक गांव है और माशाल्लाह मुस्लिम अक्सरियत आबादी है यहाँ पे। और मेरे पीछे कलम गांव की जामा मस्जिद है और अंदर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो तकरीबन
1901 में ये मस्जिद तामीर हुई है ये, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 120 साल पुरानी जामा मस्जिद है। और वक्तन फवक्तन इसकी जो रिनोवेशन के काम के हिसाब से आज मालीशान ये इतनी बड़ी जामा मस्जिद बन के तैयार है यहाँ पे। तो करीब में एक दरगाह भी है, आइए देखते हैं दरगाह पर चलते हैं और जायज़ा लेते हैं, मुशाहिदा लेते हैं कि दरगाह के क्या हालात है, क्या मामला है, क्या नाम है, क्या तारीख़ है, दरगाह पर भी चेक करते हैं। तो आइए ये कलम की जामा मस्जिद के करीब में दरगाह को चेक करते हैं, चले देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا के सहन में खड़ा हूँ, शेख अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपकी मज़ार के दरवाज़े पे खड़ा हूँ। माशाल्लाह दरवाज़ा खुल गया, थोड़ी सी मैंने कोशिश की, कुछ लगा हुआ था उसमें धागे वगैरह, तो दरवाज़ा खुल गया, आइए अंदर दरगाह के अंदर चलते हैं, चलिए देखते हैं। शरीफ के अंदर हूँ, शेख अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम मुबारक भी लगा हुआ है, आपकी मज़ार के बिल्कुल पहलू में खड़ा हूँ। और यहाँ के अतराफ के गांव वालों से कुछ मालूमात हासिल की मैंने, और उन्होंने मुझे बताया कि दरगाह शरीफ, ये मज़ार शरीफ जो है काफ़ी अरसे दराज पुरानी, काफ़ी अरसे दराज, कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल, 150 साल, वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल वाला, सबके अपने अपने अकवाल हैं, कौल हैं। काफ़ी पुरानी दरगाह शरीफ है, मज़ार शरीफ है, और कहते भी हैं कि यहाँ के अतराफ़ वाले के इस बारगाह में आपकी इस मज़ार के पास खड़े रहकर जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। लोग अपने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर आते हैं जो बीमार होते हैं, और सब आपके अपने घर के जो मसले मसाइल होते हैं ला के हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं, और इनके वसीले से रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते हैं तो उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। ये तो औलिया अल्लाह की शान है, ये आपकी करामत है। कलम गांव में जामा मस्जिद में नमाज़ अदा की ज़ोहर की, और हज़रत की बारगाह में खड़े कि हमने भी वसीला लगा कर रब्बुल आलमीन से हमने भी कुछ मांगा,
इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कि हज़रत के वसीले से हमारी भी झोलियाँ मुरादें पूरी होंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले मकाम पर, एक नई जगह पर, एक नए दरबार में, एक नई जगह पर। तब तक आप हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह तू फैज़ का दरिया है, तू रहमत ही रहमत है। जो कुछ भी मिला मुझको